खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया, पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, एक की मौत हो गई और कई अस्पताल में भर्ती हो गए। मृतक के परिजनों की मांग थी कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी उनसे आकर मिलें। अभी दोनों पक्ष अपने अलग अलग तर्क दे रहे हैं। किसी का कहना है कि हमें नारे लगाने पर मजबूर किया गया और किसी का कहना है कि दूसरा पक्ष देश विरोधी नारे लगा रहा था। 26 जनवरी के शाम से ही पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई थी, फिर भी 27 और 28 जनवरी को कई जगहों से आगजनी की खबरें आईं। कहीं उपद्रवियों ने बस को आग के हवाले कर दिया, कहीं घर, कहीं कार और कहीं दुकानें। वहीं आरोपी के घर से पुलिस को पिस्टल भी बरामद हो गई है। प्रशासन का कहना है कि हालात काबू में है, पर देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर कब हालात सामान्य होते हैं। देश विदेश की बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।